सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। अक्सर जब कभी भी लोग अपने प्रियजनों को खोते हैं तो वो मृत प्रियजन उनके सपनों में आकर के उनसे संपर्क स्थापित करते हैं। हमारे मृत परिजन हमारे सपनों में तभी आते हैं जब हमारा दिमाग सुप्त अवस्था में होता है। अधिकांशतः लोग अपने सपनों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सपनों से बात कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं। जब आप ऐसा करें और जब आपको अपने मृत परिजन का सपना आए, तो सुबह उठते ही तुरंत सबसे पहले अपने सपने को लिखें और साथ ही ये भी देखें कि कौन से ऐसे प्रतीकात्मक चीजें थीं जो आपने अपने सपने में देखी। यदि आप अपने सपनों में किसी विशेष मृत परिजन से मिलना चाहते हैं, तो बार बार हर रात्रि को सोने से पहले अपने सपने को उस मृत परिजन से मिलवाने के लिए कहिए। साथ ही उस मृत परिजन से भी कहिए कि आप उससे सपने में मिलना चाहते हैं। कुछ रातें जरूर लगेंगी, लेकिन वो मृत परिजन आपके सपने में अवश्य आएंगे। अब आपको जरूर पता चलेगा कि ये मृत परिजन से आप उस सपने में मिले, क्योंकि वह सपना आपके बाकी सभी सपनों से भिन्न होगा। जब आप बार बार अपने सपनों से बात करते हैं, प्रतिदिन उनसे बातचीत करके आप रोज रात को सोते हैं, तो आपके सपनों में और ज्यादा स्पष्टीकरण आता है और आपके सपनों में आपका नियंत्रण आता है। जब आप अपने सपनों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो ना सिर्फ आप अपने मृत परिजनों से बात कर सकते हैं, अपितु आप अपने भविष्य की रचना भी कर सकते हैं। कुछ अद्भुत चीजें जैसे कि उड़ना और साथ ही टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं।